नमस्कार, इकोनॉमी ट्रैकर में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस बार हमारे पास मौजूद हैं फरवरी के कुछ अहम आंकड़े। ये आंकड़े मौजूदा वित्त वर्ष के खत्म होने से ठीक पहले अर्थव्यवस्था की दशा और दिशा आपके सामने लाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक नज़र तीसरी तिमाही के नतीजों पर। तीसरी तिमाही में देश की GDP विकास दर 6.6% रही, जो कि 1.5 साल का न्यूनतम स्तर है। एक साल पहले तीसरी तिमाही में GDP विकास दर 7.7% थी। फरवरी में महंगाई दर बढ़कर 2.57% हो गई, जो पिछले 5 महीनों से लगातार कम हो रही थी। जनवरी और फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े 54 के आसपास रहे, जो कि काफ़ी विकासशील हैं। पर PMI सिर्फ एक परसेप्शन होता है, इसीलिए ये औद्योगिक उत्पादन के वास्तविक आंकड़ों से काफ़ी अलग रहा। जनवरी में औद्योगिक उत्पादन की दर सिर्फ 1.7% रही, जो कि एक साल पहले 7.5% थी। पोर्टफोलियो निवेश के दृष्टिकोण से फरवरी बहतर रहा। फरवरी में कुल 12,053 करोड़ रुपए का विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भारत में आया। फरवरी में डॉलर के मुकाबले रुपए में भी थोड़ी मजबूती आई, जो 71.45 रुपये से घटकर 70.82 रुपये तक पहुंच गया। फरवरी के शुरुआत में सेंसेक्स 36,469 पर था, जो अंत में 35,867 तक गिरा। फरवरी में GST कलेक्शन 97,247 करोड़ रुपये रहा, जो एक बार फिर लक्ष्य से कम था, और साल के अंत तक इसका अपने सालाना लक्ष्य को छू पाना अब लगभग नामुमकिन हो चुका है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या हालत रही। 26.36 बिलियन डॉलर के साथ जनवरी का निर्यात 6 महीनों के न्यूनतम स्तर पर रहा। इस दौरान भारत का आयात 41 बिलियन डॉलर रहा, जिसके कारण जनवरी में देश का व्यापार घाटा 14.73 बिलियन डॉलर हो गया। तो कुल मिलाकर फरवरी में भारतीय अर्थव्यवस्था FPI इन्फ्लो और रुपए के हिसाब से अच्छी रही, तो GST कलेक्शन, औद्योगिक उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने निराश किया। तो ये था फरवरी में देश की अर्थव्यवस्था का हाल। अगले महीने हमारे पास होंगे पूरे साल के आंकड़े, जिससे पता चलेगा कि ये पूरा साल कैसा रहा। तब तक इकोनॉमी ट्रैकर पर नजर रखिए गो न्यूज़ के साथ। नमस्कार।